शेखपुरा ही थाना अंतर्गत ग्राम रामवास झोपड़ी में बीती रात को घर में घुसकर चोरी करते समय मौके पर परिवार के लोगों के आ जाने से भागते हुए चोरों में से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा चोर भागने में सफल हो गया। शेखपुर थाना पुलिस ने बताया कि चोरी को लेकर परिवादी हीरालाल पुत्र मैलोराम राजपूत निवासी ग्राम रामवास झोपड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बीती रात को परिवादी का बेटा राहुल कावड़ लेकर लौटा था। परिवार के सभी सदस्य उसके पास जलाभिषेक के लिए फिरोजपुर झिरका शिव मंदिर गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। रात करीब 2 बजे परिजन मंदिर में कावड़ चढ़ाकर अपने परिवार सहित घर पर पहुंचे तो घर के अंदर घुसने पर देखा कि मकान के अंदर कमरे में 2-3 लोग चोरी कर रहे थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। जैसे ही चोरों को घर में किसी के आने की भनक लगी तो चोर भागने लगे। भागते हुए चोरों का पीछा करने पर एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि चोर का दूसरा साथी बाइक सहित एक थैले में चोरी किया हुआ सामान सहित भागने में सफल हो गया। परिवादी में रिपोर्ट में बताया कि घर का सामान संभाला तो घर में रखे 1 सोने की 5 ग्राम की अंगूठी, 11 ग्राम की सोने की झुमकी, 9 ग्राम की सोने की बाली, 25 ग्राम सोने की चेन, लगभग 500 ग्राम चांदी जिसमें पाजेब, हाथ की चूड़ियां, हाथ के कंगन में 1.5 लाख नकद राशि गायब मिले। रिपोर्ट में बताया कि पकड़े गए चोर की पहचान रोहित पुत्र गुरुदेव निवासी लोहादेरा तेजारा के रूप में हुई है, जबकि भागने वाले चोर की पहचान कर ली है। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।